गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सक्सेसर प्रिड्यूसेसर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स वेयर वी विल लर्न क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छा स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि आखिर मैम ये सब प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ा रही हैं तो वो इसलिए क्योंकि दे मेक कैलकुलेशंस अंडर सर्टेन ऑपरेशंस वेरी सिंपल सो स्टूडेंट्स लेट अस लर्न अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को ऑपरेट करें तो रिजल्ट भी होल नंबर मिलना चाहिए यहाँ ऑपरेट करने से मतलब है कि किसी भी दो होल नंबर को ऐड करो किसी भी दो होल नंबर को सब करो किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करो या किसी भी दो होल नंबर को डिवाइड करो तो रिजल्ट भी उसका क्या होना चाहिए एक होल नंबर होना चाहिए तो चलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करते हैं सो स्टूडेंट्स टेक एनी टू होल नंबर एंड Add them. Here I have taken 7 and 6 and we will get 13 and 13 is a whole number. Here take 2 and 5 and add it we will get 7 and 7 is a whole number. Take another 2 whole number 0 and 9 we will get 9 and 9 is also a whole number. So students. वॉट आर यू ऑब्जर्विंग यू आर ऑब्जरविंग दैट इफ यू आर एडिंग टू होल नंबर्स देन यू आर गेटिंग अ होल नंबर इट मीन्स वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन इट मीन्स आप दो होल नंबर को एड करोगे तो आपको रिजल्ट भी होल नंबर मिलेगा क्लियर अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे टेक एनी टू होल नंबर एंड सब्ट्रैक्ट देम हियर आई हैव टेकन फाइव एंड टू व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट वी विल गेट थ्री एंड थ्री इज अ होल नंबर टेक अनदर एग्जांपल सेवन एंड नाइन सब्ट्रैक्ट इट वी विल गेट निगेटिव टू एंड निगेटिव टू इज अ नॉट अ होल नंबर जीरो एंड फाइव वी विल गेट निगेटिव फाइव एंड निगेटिव फाइव इज नॉट अ होल नंबर सो स्टूडेंट्स वॉट आर यू ऑब्जर्विंग कि जब आप दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कभी होल नंबर मिल रहा है और कभी होल नंबर नहीं मिल रहा है जबकि प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको होल नंबर ही मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है कि हमको होल नंबर नहीं मिल रहा है कहीं कहीं तो मिलेगा लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा इट मीन्स आप क्या कह सकते हो यू कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन क्लियर एडिशन के केस में तो था क्लोज लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं है

दो होल नंबर लिया मल्टीप्लाई किया हमको जीरो जीरो इज अ होल नंबर नेक्स्ट इज एट मल्टीप्लाई नाइन एट और नाइन लेकर के मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा होल नंबर आप कोई भी दो होल नंबर लो और उससे मल्टीप्लाई करो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है होल नंबर मिल रहा है हियर वी आर गेटिंग दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स रिजल्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर इट मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल चेक क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन टेक एनी टू होल नंबर्स एंड डिवाइड देम यहाँ हमने एट और टू को लिया है एट को जब टू से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा फोर एंड फोर इज अ होल नंबर टेक एनी टू होल नंबर फाइव एंड थ्री डिवाइडिड आपको मिल जाएगा फाइव अपान थ्री फाइव अपान थ्री तो फ्रैक्शन है ना ये होल नंबर कहाँ है इट मीन्स फाइव अपान थ्री इज नॉट अ होल नंबर टेक एंड अदर टू होल नंबर सिक्स एंड जीरो भाई सिक्स को जब जीरो से डिवाइड करोगे या किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आप इसको नहीं बता सकते हो दिस इज नॉट ऑल्सो अ होल नंबर इट मीन्स दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन क्लियर हमें क्या क्या समझ में आया कि जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में फॉलो करेगी मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो करेगी और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में फॉलो नहीं करेगी सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन सो स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू डू योर क्लास वर्क पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट योर क्लास वर्क स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू चेक योर answers let us check your answers so first question was whole numbers are closed under अभी बताया था ना कि होल नंबर किसके क्लोज होते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाई जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है ना तो यहाँ आपको राइट करना है नॉट डिफाइंड ऑप्शन सी इज होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर अभी बताया था कि नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन द सेकेंड इज राइट द आंसर्स फॉर थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन तो आपको यहाँ चेक करके बताना है कि रिजल्ट होल नंबर होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा होल नंबर है थ्री प्लस ज़ीरो इक्वल टू थ्री आएगा और थ्री हमारा क्या है विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर सेवन माइनस फोर इक्वल टू थ्री तो यहाँ पे ये क्या होगा होल नंबर होगा थ्री माइनस एट इक्वल टू निगेटिव फाइव तो निगेटिव फाइव क्या है होल नंबर नहीं है क्यों क्योंकि हमें तो ये पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सप्ट्रैक्शन के केस में हमेशा फॉलो नहीं करती है तो ये हमारा थ्री माइनस एट इक्वल टू निगेटिव फाइव दैट इज नॉट अ होल नंबर फाइव मल्टीप्लाई थ्री फिफ्टीन दैट इज होल नंबर जीरो मल्टीप्लाई नाइन इक्वल टू जीरोज़ अ होल नंबर मल्टीप्लीकेशन तो वैसे भी फॉलो करता है ना तो हमेशा होल नंबर ही आएगा सिक्स डिवाइडेड और फोर ये तो फ्रैक्शन में आ गया सिक्स डिवाइडेड और फोर तो ये हमारा क्या है इट इज़ नॉट अ होल नंबर ए डिवाइडेड और फोर इट इज इट इज सॉरी यू विल गेट हीयर टू तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करेगी सबट्रैक्शन को और डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर स्टूडेंट्स